खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। देश के इतिहास के लिए आज काला दिन है। आज से 44 साल पहले देश में इमरजेंसी लागू हुई थी। इमरजेंसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया, इमरजेंसी के खिलाफ लड़ने वालों को सलाम किया, तो इमरजेंसी का बहाना बनाकर ममता बैनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर ही उल्टा हमला बोल दिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा, देश उन सभी महान लोगों को सलाम करता है जिन्होंने मजबूती के साथ इमरजेंसी का विरोध किया था। अमित शाह गृहमंत्री, उन्होंने लिखा, 1975 में आज ही के दिन मात्र अपने राजनीतिक हितों के लिए देश में लोकतंत्र की हत्या की गई थी। देशवासियों ने उनके मूलभूत अधिकार छीन लिए गए, अखबारों पर ताले लगा दिए गए, लाखों राष्ट्रभक्तों ने लोकतंत्र को, आगे लिखते हैं अमित शाह, पुनर्स्थापित करने के लिए अनेकों यातनाएं सही, मैं उन सभी सेनानियों को नमन करता हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया, उधर अमित शाह ने भी ट्वीट किया, लेकिन ममता बनर्जी ने उल्टा प्रधानमंत्री के ऊपर ही निशाना साधा। आज ही के दिन 1975 में इमरजेंसी लगाई गई थी, पिछले साल में देश सुपर इमरजेंसी के दौर से गुजरा। ये ममता बनर्जी का ट्वीट इस समय आप देख रहे हैं। हमें इतिहास से सबक सीखना चाहिए और लोकतंत्र की संस्थाओं की रक्षा के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। तो ममता बनर्जी ने, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने उल्टे प्रधानमंत्री के ऊपर ही इस ट्वीट के जरिए हमला बोला।